हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू कार दुनिया। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 2024 किया सोनेट पेसेंट वेरिएंट एचटीई, जिसमें फेसलिफ्ट 2024 में कई सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। आज के अपने इस वीडियो में सारी चीज़ें चेक करेंगे। दोस्तों पेसेंट वेरिएंट एचटीई सोनेट का पेट्रोल एंड डीजल दोनों में आता है, मैनुअल ट्रांसमिशन पे, इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। पेसेंट वेरिएंट में अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो कि पावर जनरेट करता है 83 पीएस का, टॉर्क है 115 एनएम का। प्रेजेंट में इस गाड़ी का एक्सोरूम कॉस्ट है 7,99,000 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है अराउंड 9,05,000 रुपीज़ की। डीजल की बात करेंगे तो 1.5 लीटर का सीआरडीए टेक्नोलॉजी बेस्ड डीजल इंजन मिल जाएगा, जो कि पावर जनरेट करता है 116 पीएस का और टॉर्क है 250 एनएम का। प्राइसिंग इस गाड़ी की प्रेजेंट की है डीजल में 9,79,000 रुपीज़, जिसमें सब एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ऑन रोड पड़ती है 11 लाख अराउंड की। तो यहाँ पे दोस्तों प्राइसेस के बारे में बात करेंगे तो मैंने डीलर के नंबर मेंशन कर दिए हैं। अगर आप कानपुर में गाड़ी को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो श्री एएसआर किया में कांटेक्ट करिएगा और बेस्ट प्राइस में गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सारे फीचर्स की। तो देखिए ये है इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। अब एक्सटीरियर से दोस्तों ये है तो पेसेंट वेरिएंट, लेकिन आपको कहीं से भी पेसेंट वेरिएंट वाला फील आपको इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि व्हील्स में आपको मिल जाएंगे फुल व्हील कवर, 15 इंच के व्हील्स दे रखे हैं। आउटसाइड मिरर हैंडल्स जो हैं इस गाड़ी के बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं, नॉर्मली बेसेंट वेरिएंट्स में ब्लैक कर देते हैं, बट एसएस में नहीं किया है। फ्रंट की बात करेंगे तो ग्रिल्स वगैरह चेक करिए, यहाँ पे सब आपको सिल्वर फिनिश की बहुत ही खूबसूरत ग्रिल्स देखने को मिलेंगी। नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स भी आप बेसेंट वेरिएंट में देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसेंट वेरिएंट वाला फील कहीं से भी एक्सटीरियर से दिखाई नहीं देता है। हेडलैम्प जो है ये आपको हैलोजन रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, इंडिकेटर इस तरफ प्लेस किए गए हैं। ये दोस्तों फॉग लैंप्स नहीं है, यहाँ पे आपको पोजिशनिंग बल्ब मिलेगा। फॉग लैंप जो है वो एचटी के प्लस वेरिएंट से मिलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल इधर से हम आपको कम्प्लीटली चेक करा देते हैं इस साइड पे, और उस साइड से आते हैं जिससे आपको बेटर व्यू मैं दिखा पाऊँ। तो देखिए ये है किया सोनेट का बेसेंट वेरिएंट। रूफ रेल दोस्तों इस वेरिएंट में कवर नहीं होती है। आउटसाइड मिरर जो है ये आपको ओपन क्लोज जो है ये मैनुअल करने पड़ेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो आप इसमें इलेक्ट्रिकली बटन से ग्लासेस का कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम इस तरफ आपको सब चीज़ें चेक करा देते हैं। बैक साइड में आएंगे और बैक से फेसलिफ्ट 2024 किया सोनेट, ये देखिए एचटीई आप चेक कर रहे हैं। टेल लैंप जो है यहाँ पे कनेक्टिंग पैटर्न पे नहीं दिए हैं, कनेक्टिंग पैटर्न वाले टेल लैंप जो है वो एचटी के प्लस वेरिएंट में आते हैं। देखिए इसके ऊपर जो एचटी के वेरिएंट आता है या फिर एचटी के प्लस वेरिएंट है उनके मैं रिव्यूज़ कर चुका हूँ, तो अगर आप अपर वेरिएंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को ज़रूर से चेक करिएगा। यहाँ पे ये बल्ब भेजे रखे हैं जिसमें ये वाला पार्ट सिर्फ रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, और बैक साइड पर देखिए तो सेंसर्स मिल जाएंगे और नीचे की तरफ स्किड प्लेट्स यहाँ पे पीछे भी प्रोवाइड की गई हैं। बाकी रियर वाइपर डिफॉगर आपको इसमें नहीं मिलेगा, अंटीना भी फिलहाल इसमें नहीं लगा, लेकिन जब आप गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको पोल टाइप अंटीना जरूर इसमें लग के मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया एक्सटीरियर की बात। चलिए बात करते हैं हम इंटीरियर प्रोफाइल की। ये पर्टिकुलरली मैं आपको पेट्रोल पे गाड़ी चेक करा रहा हूँ, पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए, फीचर जो भी एक्सटीरियर में है या इंटीरियर में वो बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप अंदर का लुक चेक कर लीजिए, ऑल ब्लैक इंटीरियर देख सकते हैं, जिसमें सेटिंग्स जो है ये इधर तो देखिए कपड़ा लगा है, लेकिन साइड में यहाँ पे आप वाइनल मटेरियल यानी लेदराइट मटेरियल कह सकते हैं वो यूज़ किया गया, तो अच्छी चीज़ें यहाँ पे फुल फैब्रिक सेटिंग्स नहीं है, सेमी लेदराइट सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट बेसेंट वेरियंट कवर नहीं करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए इसमें सिर्फ आगे के ही दो पावर विंडो दिए हुए हैं, बैक वाला जब हम डोर चेक कराएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी मैनुअल लीवर। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। आप देखिए बेसेंट वेरिएंट में सारे फीचर्स तो कवर नहीं होंगे, चारों पावर विंडो चाहिए तो आपको आना पड़ेगा एचटी के जो कि इसके ऊपर वाला वेरिएंट है उसमें। बाकी डोर्स पे आपको चाहे वो पीछे का डोर हो या फिर आगे का डोर हो आपको वाटर होल्डर्स मिल जाएंगे, और ये सब हार्ड प्लास्टिक में आप इसमें देख सकते हैं। पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे, सेंटर पर आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है, अच्छी चीज़ है। यहाँ पर फेसलिफ्ट में सारी सीट बेल्ट्स 3 पॉइंट पे कर दिए हैं, तो मिडिल पैसेंजर वाले के लिए यहाँ पे फुल सेफ्टी वाली सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। एक और बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों किया सोनेट में, देखिए इसके स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है, और नीचे की तरफ दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और ऊपर साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स, सेंटर पे यहाँ पे एक केबिन लाइट मिलेगी, और ये अकेली लाइट है क्योंकि आगे की तरफ इसमें लाइट प्रोवाइड नहीं की गई है। बाकी स्पेस की बात करते हैं तो सोनेट में दोस्तों स्पेस की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक चेक करिए बेहतरीन आपको इसमें देखिए लेगरूम प्रोवाइड किया गया है। मेरी हाइट है 5'8", मैंने जो ड्राइविंग सीट है वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट करी हुई है। और बाकी अगर हम कम्फर्ट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हालांकि इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है बट स्टिल यहाँ पर सीटें अच्छी हाइट पर दी हैं, तो देखिए मेरा हेड यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इनके जो है हेडरेस्ट पर आ रहा है। और यहाँ पर आप मेरे पैरों को चेक कर सकते हैं, ये देखिए
लेगरूम को भी बेहतरीन यहाँ पे आपको लेगरूम और सीटिंग मिल जाती है। हाइटेड सीटिंग्स हैं, थाई सपोर्ट यहाँ पे आपको एवरेज मिलेगा। बाकी सेंटर हम चेक करा देते हैं, तो देखिए ये आपको थोड़ा सा ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो यहाँ पे जो मिडिल में बैठेगा वो पैरों को फैला के यहाँ पे बैठ पाएगा। तो चलिए इधर की मैंने आपको सब चीज़ें चेक करा दी हैं, अब जरा बूट एरिया दिखाते हैं, फिर आएंगे ड्राइविंग सीट की तरफ और बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करके बताएंगे। तो देखिए 2024 किया सोनेट का ये बूट स्पेस आपके सामने है, जो कि 385 लीटर का मिलता है। पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट जरूर बना दिए हैं, तो आप डीलर साइड से पार्सल ट्रे को परचेज करके इसमें लगवा सकते हैं। बाकी अगर आपको बूट एरिया बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है, इसकी जो पीछे की सीट है ये आप एक बार में पूरी आगे जाएगी, क्योंकि इसमें जो है 60-40 स्प्लिट पैटर्न नहीं आता है, और यहाँ पे जो है पूरी बार बेंड होकर कुछ इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेयर व्हील है वो देखिए बाकी व्हील्स की तरह स्टील पे ही है, और साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ भी बाकी व्हील्स 15 इंच के हैं, और स्पेयर व्हील भी जो है वो भी 15 इंच का दिया हुआ है, तो सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिल जाता है। चलिए इसको जरा मैं वापस अपनी जगह कर देता हूँ, अब चलते हैं हम ड्राइविंग सीट की तरफ, बाकी और फीचर्स चेक करते हैं सोनेट के बेस वेरिएंट में क्या कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का दोस्तों अंदर का लुक, आप चेक कर सकते हैं। इस समय जो ये बीप आप सुन रहे हैं ये की रिमाइंडर की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें अभी की लगी हुई थी, यहाँ पे जैसे मैंने की निकाल दी ये देखिए अलार्म बंद हो गया। कीज़ की बात करते हैं तो मैनुअल जो है यहाँ पे कीज़ मिलती हैं, नॉर्मल कीज़ हैं, कोई भी रिमोट लॉक वाली की नहीं है। अब जरा एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैनुअल कीज़ है तो मैं अपने सारे वीडियोज़ में चेक कराता हूँ कि मैनुअल सेंटर लॉकिंग है कि नहीं। हालांकि इस सेगमेंट की गाड़ी में डेफिनेटली मैनुअल सेंटर लॉकिंग आती है। ये देखिए डोर्स लॉक हो गए, और उसको जब मैं खोल देता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए डोर्स खुल गए, तो मैनुअल सेंटर लॉकिंग ज़रूर आपको इसमें मिल जाएगी, बट रिमोट लॉक इसमें कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रही है। अब देखते हैं क्या करा रही है और क्या कमियां हैं, तो सब चीज़ आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ड्राइविंग सीट पर बैठ के एक व्यू आप इस गाड़ी का चेक कर लीजिए। ये देखिए म्यूज़िक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड नहीं आता, तो यहाँ पे अच्छा स्पेस छोड़ दिया है, जिससे आप प्रॉपरली 10 इंच या 10.25 इंच के टच स्क्रीन को आराम से इसमें फिट करा सकते हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी नहीं है, स्पीकर्स भी नहीं है, सिर्फ टॉप पे आपको एक एंटीना मिलता है, इसके अलावा सब कुछ आपको इसमें फिट कराना पड़ेगा। एसी जो है ये आपको मैनुअल यूनिट वाला मिलेगा, हालांकि इसके एसी में एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको इको कोटिंग मिल जाती है। इको कोटिंग काम करती है, अगर एक गाड़ी आपकी काफ़ी टाइम तक यानी काफ़ी दिन तक खड़ी हुई है, तो जब आप एसी को चलाएंगे तो उस वक्त कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी, उसको ये प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करता है इको कोटिंग, तो ये आपको जरूर इसके बेस एंड वेरियंट से ही मिलने लगती है। इस साइड पर देखिए तो कुछ आपको पोर्ट मिल जाएंगे, जैसे आगे भी एक टाइप सी पोर्ट दे रखा है, और इधर की तरफ एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, और इधर देखिए तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स हैं, और आगे ज़रूर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसमें अंदर तरफ एक बॉक्स दिया हुआ है, तो काफ़ी बड़ा फीचर है। यहाँ पे पीछे एसी वेंट और आगे आर्मरेस्ट, इसके ड्राइविंग को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है। और इस साइड पे बॉक्स चेक करते हैं, हालांकि सोनेट में दोस्तों कूलिंग फीचर वाला ग्लोव बॉक्स नहीं मिलता है। यहाँ पे मिरर चेक करिए, जो कि मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिलेगा। सनवाइजर्स के बैक साइड पे वैनिटी मिरर्स नहीं दिए हुए हैं बेस एंड वेरिएंट पे। स्टीयरिंग चेक करिए, जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो नहीं है, बट यहाँ पे डिज़ाइन ज़रूर आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगी। एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, इसे हम टिल्ट पोजिशन पर सेट कर सकते हैं। इस साइड पर जो आप बटन चेक कर रहे हैं दोस्तों, ये इसके क्लस्टर के लिए हैं, और इसके क्लस्टर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर देखिएगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप है, हर व्हील का ये प्रेशर दिखाएगा, स्टैंडर्ड फीचर है इसमें। इसके अलावा यहाँ से देखिए हम काफ़ी सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सर्विस इंटरवल को सेट कर सकते हैं, और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस इसके मीटर पे आती हैं। डिजिटल मीटर यहाँ पे देखिए डिजिटल स्पीड शो कर रहा है। और इस साइड से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ और बटन्स दिए हुए हैं। अब देखिए ये वाला बटन जो है आइडल स्टॉप एंड गो का है, ये कैसे काम करता है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पे आएगी ऑटोमेटिकली इंजन को बंद करेगा, और हम क्लच को प्रेस करेंगे वापस से स्टार्ट कर देगा, तो एक तरीके का फ्यूल बचाने वाला फीचर है, बहुत ही बढ़िया फीचर है। आप उस वीडियो को चेक करिएगा, आपको बेहतर तरीके से इसकी जानकारी मिल जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल भी दोस्तों इसके बेस एंड वेरियंट में मिल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यहाँ पे आपको स्टार्टिंग वेरियंट से मिलेगा। हिल एसिस कंट्रोल स्टार्टिंग वेरियंट से दिया हुआ है, साथ में ब्रेक एसिस भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स इसमें स्टैंडर्ड है। इतने ही नहीं, 2024 में जब फेसलिफ्ट आया तो किया ने स्टैंडर्ड कर दिए सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग। तो ये 6 एयरबैग वाली गाड़ी है। एक एयरबैग देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक एयरबैग आप इस साइड पे चेक कर सकते हैं। कर्टेन एयरबैग जो है वो इसके देखिए यहाँ पे पिलर पे दिए हुए हैं, जो कि आगे से लेकर ऐसे पीछे तक को ओपन होते हैं। और इवन जब हम इसकी फ्रंट की सीटें चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो टोटल 6 एयरबैग वाली सेफ्टी मिलती है किया सोनेट में।
तो देखिए यहाँ पे बेस एंड वेरिएंट जरूर है, कुछ कमियाँ हैं यहाँ पे, म्यूजियम नहीं है, रिमोट लॉक नहीं है, लेकिन कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी भी दी हुई हैं। और प्राइस भी तो चेक करिए, 9 लाख रुपये में आपको पड़ जा रहा है पेट्रोल वेरियंट और 11 लाख रुपये में लगभग पड़ जा रहा है आपको डीजल वेरियंट। चलिए ये पर्टिकुलरली पेट्रोल है, इस वजह से इसका जो लीवर है ये 5 स्पीड पे है, डीजल होता तो ये 6 स्पीड पे होता। और मैं जब रिवर्स गियर डालूंगा तो सेंसर्स का भी देखिए डिस्प्ले दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं यहाँ पे। देखिए पीछे बीप के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी आ रहा है, ग्रीन का मतलब सेफ साइड है, थोड़ा सा पीछे करेंगे तो यहाँ पे रेड मार्किंग आने लगेगी, तो इतने सब गाड़ी को रोक दीजिए। तो ये है किया सोनेट का HTE वेरिएंट। दोस्तों सारी चीज़ें आपने चेक करी हैं, अब आप बताइए आपके हिसाब से कैसा लगा ये वेरिएंट, क्या क्या फीचर्स अच्छे लगे, क्या क्या कमियां लगी, सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।